नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राय सर। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं क्या बोला गया हमसे। बोला गया कि यहाँ पर एक मास एम है जिस पर चार्ज स्मॉल क्यू है कनेक्टेड टू द स्प्रिंग और नेग्लिजिबल मास, ठीक है। नेचुरल लेंथ जो है उसकी एल दे रखी है। इनिशियली स्प्रिंग इज अ न्यूट्रल लेंथ पर है, ठीक है। नाउ अ हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन। अब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया हमने तो क्या होगा बेटा यहाँ पे कि द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन द मास एंड द वॉल बताओ, है ना। ये वॉल दे रखा है अपने को तो मैक्सिमम सेपरेशन कितना होगा वो चाहिए अपने को। तो क्या होगा जब अपन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो ये इस पर जो चार्ज है उसकी वजह से इसमें फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब वो फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा बेटा, क्यूइंग, ठीक। और अगर अपन वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू कर देते वर्क डन बाई स्प्रिंग, ठीक, तो अपना काम बन जाएगा, ठीक। जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही किसमें स्टोर होगा, एज ए स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग वर्क, स्प्रिंग में हो जाएगा वर्क डन, है ना, एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर यहाँ पे बात करें कि ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो क्यू ई, और मान लेते कि एलोंगेशन जो हुआ उस टाइम पर एक्स नॉट हुआ इसके बाद, है ना, एल के बाद, ठीक। तो स्प्रिंग के वजह से वर्क डन कितना होता है बेटा, हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या होता है स्प्रिंग की वजह से, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो एक्स नॉट स्क्वायर, तो एक्स और एक्स नॉट, ये जो एक्स नॉट स्क्वायर है और एक्स नॉट है वो कैंसिल आउट हो गया। तो एक्स नॉट की क्या वैल्यू आई अपने पास, तो एक्स नॉट की वैल्यू आ जाएगी 2qE/k, है ना। ये क्या है बेटा, मैक्सिमम एलोंगेशन आ गया, ठीक है। तो ये पहले वाले का आंसर आ गया अपना। अब आगे क्या बोला गया है हमसे कि फाइंड द सेपरेशन ऑफ द पॉइंट मास एंड वॉल एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ मास। इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा कि यहाँ पर जो बी वाले का जो आंसर है वो कैसे निकालेंगे कि जो फोर्स लग रहा है क्यूई वो किसके बराबर हो जाए, स्प्रिंग फोर्स के बराबर। स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होती है बेटा, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू होती है के एक्स। तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी भाई अपने पास, क्यूई/के। तो नेट एलोंगेशन पूछा है, नेट कितना पोजीशन पूछी है वॉल से, है ना। तो नेट पोजीशन की बात करें, अगर मान लेंगे नेट पोजीशन हमने बोल दिया एक्स डैश, तो क्या हो जाएगा बेटा वो एल प्लस एक्स, मतलब एल प्लस क्यूई/के, ठीक है। ये आंसर हो गया सेकंड का। अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में क्या बोला गया कि फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द पॉइंट मास। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए अगर अपन बात करें तो अपने पास एक्स की वैल्यू आ गई। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग जो होती है वो हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। तो हाफ और के एक्स स्क्वायर की बात करें तो एक्स कितना अपना, क्यूई/के का होल स्क्वायर, ठीक। तो एक के कैंसिल आउट हो जाएगा अपने पास, तो हाफ क्यू/स्क्वायर/के, ये अपने पास क्या हो जाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो इस टाइप के अपने को बहुत सारे मजेदार क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि कर भला तो हो भला।